हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजनल गार्डनिंग। चलिए दोस्तों, आज कटिंग से नागचंपा का पेड़ लगाते हैं। नागचंपा के पेड़ में काफ़ी सुंदर वाइट कलर के फूल आते हैं, काफ़ी सुंदर पेड़ है। तो मेरे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, पास में बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसका अपडेट आपको जल्दी मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप सामने ये नागचंपा की कटिंग देख रहे होंगे। ये कटिंग के नीचे मैंने मिट्टी इसीलिए लगा के रखी है, अगर आप कोई सी भी कटिंग, नागचंपा ही नहीं कोई भी पेड़ की कटिंग काटते हो, तो उस कटिंग को ऐसे खुले में मत रखिए। इससे क्या होता है, जितनी देर में आप मिट्टी तैयार करेंगे ग्रो बैग के लिए, उतनी देर में वो जो कटिंग है वो पूरी सूख जाएगी, और फिर थोड़े दिन बाद ही जो कटिंग है वो एकदम से ग्रोथ नहीं बन पाएगी उसकी, और वो कटिंग धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी। तो आप इसकी कटिंग के लिए नीचे कोई मिट्टी वगैरह लगा दीजिए, या इस कटिंग को कोई पानी वाले बर्तन में रख दीजिए। इससे इसके पत्ते मुरझाएंगे भी नहीं और कटिंग भी सूखेगी नहीं। तो ये तो थी बात कि कटिंग ना सूखे और कटिंग फ्रेश रहे, ताकि ग्रोथ जो उसकी है वो बराबर अच्छे से हो पाएगी। तो दोस्तों, अब मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। ये मैंने ग्रो बैग है गार्डनिंग के, और छोटे छोटे ग्रो बैग्स मिलते हैं। आप कोई भी मार्केट में पॉलीथीन वाली शॉप पे जाइए, वहाँ पर गार्डनिंग के ग्रो बैग्स मांग लीजिए उनसे। वो आपको कोई से भी साइज़ के लेना चाहे आप ले सकते हैं, बहुत सारे साइज़ के इसमें आते हैं ग्रो बैग्स। तो ये मैंने अभी मिट्टी का जो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है दोस्तों, आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिट्टी की लिंक डाल दी है, कैसी मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं नागचंपा के पेड़ के लिए। मैंने अभी पूरा ग्रो बैग नहीं भरा है मिट्टी से, थोड़ा ही भरा था। अब मैं ऊपर से और मिट्टी डाल रही हूँ, ताकि जो मेरा पेड़ है वो मिट्टी में अच्छे से लग जाएगा। अभी जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी वाली है दोस्तों, अगर आप सूखी मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें पानी अच्छा डाल दीजिए, और पानी फिर आपको दो दिन बाद डालना है। अगर आज पेड़ लगाते हैं और आज पानी अच्छे से डालते हैं, तो दो दिन बाद पानी डालेगा। धूप में नहीं रखना है, नहीं तो जो उसकी कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। थोड़ी छांव वाली जगह पे रखिए इसे। तो दोस्तों, 15 से 20 दिन हुए हैं, 20 दिन बाद ही देखिए इसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है, नई पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ बढ़ रही है। इसमें मैंने बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं डाला है, बस दो दो दिन में इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो नागचंपा का पेड़ अगर आप लगाना चाहते हैं कटिंग से, तो आसपास किसी नेबर के यहाँ लगाओ, तो आप इसकी कटिंग ले आइए और इस तरीके से इसको लगा दीजिए। या फिर आप नर्सरी से इसका पेड़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको करीबन 100 रुपये तक का पड़ जाएगा, आप लेकर आ सकते। वाइट कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें, और काफ़ी सुंदर प्लांट है। इसको ज़रूर लगाइए अपने घर पर, ज़्यादा ये जगह नहीं घेरता है। और ये मैंने करीबन 6 मंथ हुआ है, 6 मंथ में अब इसमें फूल आने वाले। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम इसमें फूल आ चुके हैं, अब सेकेंड टाइम इसमें फूल आने वाले। काफ़ी सुंदर पेड़ है ये, और ये मैंने क्यारी में लगा के रखा हुआ है। तो नागचंपा का पेड़ आप भी ज़रूर लगाइए अपने घर पर, और अपने घर पर आसानी से फूल भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो मेरा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे आने वाले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।